नहीं पहुंची बारात। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवती दुल्हन के जोड़े में सज धज कर निकाह के लिए पूरे दिन दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। इससे नाराज होकर दुल्हन के परिवार वाले कोतवाली नगर जा पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने दुल्हन और उसके परिवार वालों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बताते चले कि यह मामला अयोध्या जनपद की रीटगंज हमदानी कोटी के पास का है, जहां लड़की के घर वाले बारात का इंतजार कर रहे थे। लड़की के पक्ष के लोग इकट्ठा थे, सारी तैयारियां पूरी थी, खाना बन चुका था। अचानक एक कॉल आता है जो दूल्हे की बहन की थी। फोन पर कहा जाता है कि लड़का घर से भाग गया है, हम लोग उसे खोज रहे हैं। बारात ना आने से घराती लोग परेशान हो गए। लड़की वालों का आरोप है कि वहीं 10 दिन पहले 3 लाख नगद, एक पल्सर गाड़ी, सोने की जंजीर, पूरे परिवार के लिए अंगूठी की डिमांड किया था। नगद रुपया ना होने के कारण दहेज नहीं दिया जा सका। अयोध्या जनपद रीटगंज के रहने वाली रिजवान बानो की पुत्री सीमा खातून के निकाह का है। शादी 24 नवंबर को सीमा खातून का निकाह अंबेडकर नगर जनपद के टांडा रहने वाले मोहम्मद अरमान से तय हुआ था। पीड़िता रिजवाना बानो ने कोतवाली नगर में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, कार्रवाई की मांग किया है। वहीं सीओ सिटी ने कहा कि उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप निकालिए, वीडियो रोल करिए। अरे बैठे रहो, पहले बताओ। एक जने के लिए आप लोग हैं ना, आओ आ जाओ, आप लोग बैठ जाइए। इतना लंबा डिमांड होता है, 10-20 हजार। अरे एक हफ्ता पहले बता दी अपने सीधे के लिए ना दे पाए इतना है ना, सब बना रहे। ये बहुत भागता है ये लड़का। पहला दफे बल्लवा खतरनाक बल्ला बना गर्जन से देखिए, एक बात प्रकाश में आई है। हमारे यहाँ चौकी चौक अंतर्गत एक मुस्लिम परिवार है, जहाँ पर आज बारात आनी थी लेकिन बारात नहीं आई और फ़ोन से अवगत कराया गया कि हम लोग बारात लेके नहीं आ पाएंगे। उस मामले में फिर परिवार थोड़ा पीड़ित हो गया और पीड़ित परिवार की तरफ से जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं में। उन धाराओं के तहत जो भी है अब उसमें विधिक कार्रवाई हम आगे करेंगे। उसको हम लोग तस्दीक भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर पता चल रहा है कि लड़का सुबह से ही भाग गया है कहीं, तो जैसा भी है उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। डिमांड थी, पैसा मांग रहे थे तो हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। हमने बोला कि जो हमारी लड़की के नसीब में होगा वो ले जाएगी, पैसा नहीं दे के हम शादी नहीं करेंगे। तो लड़के की कोई मांग नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन घर वाले उसको मजबूर कर रहे थे कि आप पैसा मांगो और उसके बाद शादी होगी। लेकिन लड़का भी बीच में कहने लगा था, लेकिन अब लड़का ही भाग गया। लेकिन उसको हम समझ रहे थे कि अच्छा है, लेकिन वो सबसे गंदा लड़का है, बहुत बेकार है।
वो भाग गया। अगर वो अच्छा होता तो आज हमारे घर पे बारात लेके आता। मामला कहाँ का बता दीजिए। बस यही सब है सारे की बारात नहीं आई है। टांडा जी, अम्बेडकर नगर कस्बा मोहल्ला ताज टाकिज के पास। तो अचानक कैसे पता लगा आपको? अभी 2 बजे मेरे पास फोन आया, उसकी बहन ने किया कि लड़का घर से भाग चुका है और आप लोग मतलब जो है तसल्ली से काम लीजिए। तो फिर थोड़ी देर हमने वेट किया कि क्योंकि मेहमान थे, खाना खा रहे थे, कि खाना खाने के चले जाएं, उसके बाद में हम देखते हैं, हो सकता है आ जाए, कल लड़का मिल जाए। बोली कि सब लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी लड़का मिल नहीं रहा है। फिर छोटी बहन से बात हुई तो बोल रही है कि लड़का आप लोग जाके ढूंढिए, हम लोग से नहीं मतलब है सर, और कोई बात नहीं है, मेरा पूरा सब नुकसान हो गया। आप लोग यहां कैसे हैं कोतवाली में? सर हम 100 नंबर पर फ़ोन किए हैं, 120। तो आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं उसके जी? क्या कर रहे हैं? मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, हम उन लोगों को सजा दिलवाना चाहते हैं।